जी पास पेपर का सवाल निकालें, क्वेश्चन नंबर 5। पॉइंट नंबर 4 पढ़ें। इन सितंबर 2010 आरआई डेवलप्ड इंटरनली जनरेट या एक्वायर्ड, ये पेज 23 है नोट्स का। आरआई डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस, आरआई ने एक नया प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलप किया एंड कैपिटलाइज्ड इट एज इंटेंजिबल। याद रखिएगा ये पिछला साल है, पिछले साल इसने एक न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलप किया और इसे कैपिटलाइज कर दिया एज एन इंटेंजिबल एट ₹7 मिलियन। इससे आपको क्या फीलिंग आ रही है कि वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया या पिछले साल के एंड पे नामुकम्मल था? मुकम्मल हो गया, वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया एंड कैपिटलाइज इट एट 7 मिलियन और उसको 7 मिलियन पे कैपिटलाइज कर दिया। द न्यू प्रोसेस इज भाई टाइम पे सारे आया करें, फिर दाएं वाले भी डिस्टर्ब होते हैं। हाँ, द न्यू प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू हैव एन इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ। अच्छा जी, फिर बताएं पिछले साल इसको अमोर्टाइज किया होगा या नहीं किया होगा? ड्यूरिंग 2011 यानी कि कौन सा साल? हमारा साल, फर्स्ट रो में आ सकते हो आप। ड्यूरिंग 2011 में आरआई इनकट फर्दर डेवलपमेंट, आरआई ने फर्दर डेवलपमेंट की ऑफ ₹3 मिलियन ऑन द न्यू प्रोसेस विच मीट द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ एन इनटेंजिबल एसेट। भाई दूसरे तरीके से आना था। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बता दें कि इस तरह का कॉन्सेप्ट आपने FR1 में पढ़ा हुआ है, इंट्रो में पढ़ा हुआ है, उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है ये, कोई IAS 38 का अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। सोचें अगर आपको याद आ रहा हो इस तरह का कॉन्सेप्ट। हाँ, मिसाल के तौर पे कोई बस है, उसमें पहले 50 सीटें थी, आपने उस बस में 10 सीटें और लगा दी, तो वो जो 10 सीटें और लगाई उससे सवारियाँ ज़्यादा बैठेंगी, किराया ज़्यादा आएगा। वो 10 सीटों की कॉस्ट को हम क्या कहते थे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक एसेट एक दो साल हो गए उसको रनिंग में आए हुए, उसके बाद अगर उसमें कोई ऐसा खर्चा करें जिससे जो है उससे ज़्यादा इन्हेंस हो जाए, आउटपुट बेहतर हो जाए, तो प्रोडक्टिव हो जाए ज़्यादा, तो उसको क्या करते हैं? कैपिटलाइज कर देते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये इंग्लिश देखें तो बिल्कुल वही फीलिंग आएगी आपको। ये बात तो मुसल्लम है, हकीकत है कि पिछले साल इंटेंजिबल रिकॉर्ड हो चुका है, डेवलप्ड अ न्यू प्रोसेस एंड कैपिटलाइज इट एज एन इंटेंजिबल। ड्यूरिंग 11 हमारे साल आरआई इनकट फर्दर डेवलपमेंट ऑफ 3 मिलियन ऑन द न्यू प्रोसेस विच मीट द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ऑफ कैपिटलाइजेशन। जो 6 क्राइटेरिया पूरा कर रहा था, आप बता दें अगर वो 6 क्राइटेरिया पूरा कर रहा है तो बता दें ये 3 कैपिटलाइज करना बनता है या इसको एक्सपेंस में डालें? कैपिटलाइज करना बनता है। तो बस इस 3 के बारे में अब हम ये लिख के आ जाएंगे, एज लिखें। ₹3 मिलियन इसको सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं, ₹3 मिलियन सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। कल 5K 102 का सोल्यूशन देखा था, पीछे से किसी ने हाथ खड़ा करें, आज देख लेंगे। अच्छा, ₹3 मिलियन सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया। बचपन में कहा जाता था सवाल के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है, तो कुछ सवाल के अंदर से भी कुछ ढूंढ लेते हैं। मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन, मीट कर रहे रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन, देयरफॉर इट विल बी एडेड इन ₹7 मिलियन पुराने वाले। हाँ, इट विल बी एडेड इन रुपीज, देयरफॉर इट विल बी, हाँ इट विल बी एडेड इन ₹7 मिलियन, इट विल बी कैपिटलाइज जो भी कह दो आप, therefore it will be added in ₹7 million, so SOFP balance sheet statement will show
इनटेंजिबल्स एट रुपीज 10 मिलियन. सो SOFP विल शो इनटेंजिबल एट रुपीज 10 मिलियन. 10 मिलियन कैसे बना? ब्रॉड डाउन कितना? 7, एडिशन 3, टोटल 10. फुल स्टॉप. और कोई बात? हाँ, नो अमोर्टाइजेशन विल बी चार्ज्ड एस इनटेंजिबल हैज इनडेफिनिट लाइफ. नो अमोर्टाइजेशन विल बी चार्ज्ड एज इनटेंजिबल हैज इनडेफिनिट लाइफ. लेकिन एक बात जरूर लिखनी है जिसके मार्क्स होंगे, वो क्या? However, we will perform impairment test. अच्छा, वैसे ये लिखने की आगे जरूरत नहीं whether there is indication or not, लेकिन ये बात आपके जहन में जरूर होनी चाहिए. चाहे इंडिकेशन हो या ना हो, वी विल परफॉर्म, या विल को काट के बेशक मस्ट कर लें, ठीक है, वी मस्ट परफॉर्म एन इम्पेयरमेंट टेस्ट. इसमें आईकैप एक लाइन लिख देता होता है और वो आप भी लिख लें बेशक. विल परफॉर्म इम्पेयरमेंट टेस्ट बाय कंपेयरिंग बुक वैल्यू विद रिकवरेबल अमाउंट. ताकि जरा पता भी चल जाए इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं. ये लाइन आईकैप ऐड कर देता होता है. By comparing book value with recoverable amount. अब तो मेरे ख्याल से 4-5 लाइनें ही बनी हैं, 2 नंबर के लिए काफी होंगी. Okay. Point 3. RI has acquired a brand. एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 2 मिलियन. इसने एक ब्रांड एक्वायर किया है, कितने पे जी? 2 मिलियन पे. जी मोहतरम, ब्रांड एक्वायर किया है इसने 2 मिलियन पे. तो अगर मैं आपको खोलने की जरूरत नहीं, अगर page 21 खोलूं तो ये एक्वायर्ड वाली साइड है, इंटरनली जनरेट वाली, एक्वायर्ड वाली. तो ये एक्वायर्ड वाले तो सारे ही क्या होते हैं? इनटेंजिबल. RI has acquired a brand at a cost of rupees 2 million. The cost was incurred in the month of June. तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर कितने महीने हमने यूज किया होगा ब्रांड? 7 महीने. द लाइफ ऑफ द ब्रांड इज एक्सपेक्टेड टू बी, बिल्कुल इसकी लाइफ हम देखेंगे. इसको अगर आप क्वेश्चन 7 से कंपेयर करें ना, पास पेपर वाले से, तो उसमें जरा डिफरेंट कहानी थी. उसमें देखें क्या लिखा होता. ड्यूरिंग द ईयर IL स्पेंड 10 मिलियन ऑन डेवलपमेंट ऑफ ब्रांड, और उसकी लाइफ 10 इयर्स है. तो हमने कहा था कि ये डेवलप किया है ब्रांड, इसलिए इंटरनली जनरेट है, ये इनटेंजिबल ही नहीं है. इंटरनली जनरेटेड ब्रांड इज नॉट एन, बट इधर क्या सिनेरियो है? Acquired है, इस वजह से. क्लियर? करंटली देर इज नो एक्टिव मार्केट फॉर दिस ब्रांड. अभी इसकी कोई मार्केट इतनी नहीं है. हाउएवर RI इज प्लानिंग टू लॉन्च एन एग्रेसिव मार्केटिंग कंपेन इन अगले साल. लेकिन अगले साल हम सोच रहे हैं इसकी अच्छी खासी कंपेन चलाएं ताकि लोग इस चीज को पसंद करना शुरू कर दें. लेकिन फिलहाल इस ब्रांड की कोई खास मार्केट नहीं है. तो इसको आप एक इंडिकेशन कह सकते हैं इंपेयरमेंट टेस्ट के लिए, कि इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजार लें. लेकिन फिलहाल दो बातें हैं जिनके मार्क्स मेन होंगे, कि इट इज एन इंटेंजिबल विच मीट्स द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया. ये हो गया इनिशियल रिकॉग्निशन. इनिशियल मेजरमेंट के बारे में बताएं. इट शेल इनिशियली बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट ऑफ रुपीज 2 मिलियन. इट विल अपियर इन बैलेंस शीट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 2 मिलियन. नेक्स्ट, As the brand has a finite life, या indefinite, so it will be amortized. So SOCI will show an amortization of rupees 2/10 × 7/12. June का फिर पहला दिन ही assume कर लें, into 7/12.
0.12. सो SOCI विल शो एन अमोर्टाइजेशन ऑफ रुपीज 0.12 million. एज देयर इज करंटली नो एक्टिव मार्केट, सो वी मे पास इट टू इम्पेयरमेंट टेस्ट. ये एक इंडिकेशन सी इसने दे दी है, लेकिन कोई इतनी खास ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बात नहीं है ये. ओके, चैलेंज, न्यू चैलेंज, क्वेश्चन 6. वैसे ये आईकैप से आपने ऑनलाइन IFRS मंगवा लिए होंगे. इसमें एक तो आपको मिला होगा ये पार्ट ए वन. उसके बाद होगा पार्ट A2. ये A1 और A2 तो हमारी जरूरत के हैं. इसके बाद एक होगा C1 और C2. मैं आपको सिर्फ C1 शो कर रहा हूँ, वो हमारी ज़रूरत के नहीं है. वो ऑब्वियसली आपके साथ आपके पास आएंगे तो सही, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि इनको आप स्किप कर सकें बाय करते हुए. तो C1 C2 भी आपके घर आ जाएंगे. इनको आप CA करने के बाद कभी देख लीजिएगा, इनको अलमारी में संभाल के रख दें. और एक पार्ट आएगा B. और कौन सा पार्ट आएगा? पार्ट बी. तो जो पार्ट A1 है इसमें आपको मिलेंगे IFRS और पार्ट A2 में मिलेंगे IAS. IFRS आपने कोई पढ़ा हुआ है F1 में? Yes. कौन सा IFRS? 15. अच्छा, IFRS 15 इधर के सिलेबस में भी आ गया हुआ है. अच्छा, तो वो फिर पढ़ाने की पढ़ाना पड़ेगा. अच्छा जी, तो IFRS क्योंकि वो भी पढ़ाना पड़ेगा ना, जो उन्होंने इधर से उठा के उधर डाला है F1 में, IS8 वो भी तो पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसके एक दो सवाल में देखा था कि हमने डाले हुए हैं FR2 वाली किताब में. डबल हो जाएगा काम. अच्छा जी, तो A1 में IFRS है. कोई IFRS आपने पढ़ा हुआ? IFRS 15. असल में IFRS और IAS की स्टोरी सुन लें. ये जो बुक आपको मिलती है बुक, इस बुक के 5 पार्ट हैं. ये बी पार्ट में कुछ क्या कहते हैं स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशंस वगैरह और बाकी चीज़ें हैं, और C1 और C2 में लॉजिक्स हैं चीज़ों की. इसलिए C1 C2 तो हमारे लिए बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि इसमें लॉजिक्स हैं चीज़ों की, तो उनको हमने साइड पर रख देना है. ये इस सारी किताब को IFRS कहा जाता है. इन 5 किताबों को एक नाम रखा जाता है, IFRS. अब होता ये था कि पहले आते थे IAS, IAS 2 इन्वेंट्रीज का आपने पढ़ा होगा, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट पढ़ा होगा, IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पढ़ा होगा. पहले आते थे IAS. IAS 41 आखिरी IAS आया. IAS 41 के बाद ऐसे ही इन्होंने ज़रा नाम बदल दिया और अब हर स्टैंडर्ड का नाम रखा जाता है IFRS. लेकिन किताब का अब नाम IFRS ही है. लेकिन IFRS के अंदर पुराने वाले IAS भी हैं और नए वाले IFRS भी हैं. तो इसमें IFRS 16 हमारे सिलेबस में है और IAS में काफ़ी IAS हमारे सिलेबस में है, और पार्ट बी भी आपके पास होना चाहिए. अच्छा, कल हम पार्ट बी से एक पोर्शन पढ़ेंगे, पार्ट बी खोल के. वो होगा इनटेंजिबल्स के लिए वेबसाइट वाला. तो वेबसाइट की कॉस्ट कैसे मैयर करनी है अगर आप वेबसाइट खुद अपनी बनाएं, क्योंकि ये भी एक इनटेंजिबल है, तो उसके लिए पार्ट बी की ज़रूरत होगी. तो जिन हजरात ने बाय कर लिए हुए हैं तो वो हजरात कल पार्ट बी लेके आ जाएं, ताकि वो स्टैंडर्ड खोल के ही साथ साथ चीज़ों को लिंक कर रहे हों. ठीक है जी, इट्स ओवर. एक तफसीली अगर आपने इसके ऊपर एक वीडियो देखनी है तो आप लिख लें हाउ टू यूज़ IFRS. ये वीडियो वैसे आपको सेशन एंड पे फ़ायदा देगी. ये 6-7 मिनट की मेरी वीडियो है, यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगी. 6-7 मिनट की होगी या 2-3 मिनट की शायद हो. तो इसमें A1, A2, C यही सारी बातें ज़रा तफसील में की गई हैं.
तो ये ज़रा नाम लिख लें आप, हाउ टू यूज़ IFRS। तो पता नहीं किस चैनल पे पढ़ी हुई है मैंने, तो क्लास में दी थी, किसी ने उठा के उधर डाल दी हुई है। तो हाउ टू यूज़ IFRS के नाम से एक वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वो ज़रा लेटे लेटे देख लीजिएगा आज, जो आपका मोबाइल टाइम हो उसी में से, पढ़ाई के टाइम में से नहीं। अच्छा जी, अच्छा ये जो हर चैप्टर के एंड पे MCQs हुआ करेंगे, इसके लिए आप शाम को किसी दिन आ जाया करेंगे या ऑनलाइन हो जाएंगे, कैसे होंगे ये MCQs बता दें। शाम को आ जाया करेंगे तो दोनों ऑप्शन होंगी आपके पास, जो शाम को आ सके वो शाम को फिर आके क्लास में बैठ जाएंगे, जो ना आ सके उनको फिर ऑनलाइन दे दिया जाएगा। तो ऑनलाइन वाली ऑप्शन तो सबके लिए ही होगी, तो साथ साथ कवर करते जाएं बजाय कि इनको सेशन एंड के ऊपर छोड़ें हर टॉपिक के MCQs। ओके, क्योंकि अगर क्लास में करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन 6, ऑनलाइन वालों के लिए तो वैसे ही ऑनलाइन है ना, शाम रात क्या दिन क्या। क्वेश्चन 6 ये ज़बरदस्त सवाल है, ओपन लिमिटेड कमेंस रिसर्च वर्क ऑन अ न्यू प्रोडक्ट ऑन 1 जुलाई 2013। अच्छा बड़ा वाजे बता रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं, स्टार्टेड रिसर्च। अच्छा एक सवाल इससे पहले कर लेते हैं छोटा सा, एक छोटी सी एग्जांपल, रजिस्टर निकाल लें अपना। आप भी कह रहे होंगे आपने ऑनलाइन क्लासें नहीं होती तो आपके साथ तो ये रोज़ाना हो रहा होता है, जो हमारे साथ घर में होता है, कभी हेल्ड हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। पढ़ने के इरादे से आए थे आप लोग? अच्छा भाई पॉज कर दो यार, घर वालों को तो डिस्टर्ब ना करो जो घर बैठे हैं। अच्छा भाई ये एक मिसाल है, मैंने पहले की नोट की हुई है, इसको मैं आपको नोट करने का टाइम दे दूंगा। राइज वालों ने कहा एक मिसाल बिल्कुल फ्रेश है, आपने रजिस्टर पे नोट करनी है। वी यूज्ड जनरेटर फॉर 2 मंथ्स इन कंस्ट्रक्टिंग कैंटीन बिल्डिंग। तो सोचें क्या हुआ, वी यूज्ड जनरेटर फॉर 2 मंथ्स इन कंस्ट्रक्टिंग कैंटीन बिल्डिंग। 2 महीने क्लासें ऑफ रही, मिसाल के तौर पे मार्च का महीना क्लासें ऑफ रही, सितंबर का महीना क्लासें ऑफ रही, तो 2 महीने क्लासेस ऑफ रही, तो 2 महीने जनरेटर सिर्फ किस चीज के लिए चला, कैंटीन की बिल्डिंग बनाने के लिए, और बाकी 10 महीने जनरेटर किस मकसद में चला होगा, क्लासेस के लिए। अच्छा अब जनरेटर के पेट्रोल का भी खर्चा होगा, जनरेटर की डेप्रिसिएशन भी होगी, मैं फिलहाल सिर्फ डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं। आप जरा सोच के बताएं कि डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होनी चाहिए, जनरेटर की डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होनी चाहिए, डेप्रिसिएशन डेबिट अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फर्ज करें 1 महीने के डेप्रिसिएशन 1 रुपया, तो 12 महीने की डेप्रिसिएशन 12 रुपये, ये तो जनरेटर की डेप्रिसिएशन की एंट्री है। लेकिन हमने क्या लिखा है कि जनरेटर 2 महीने किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुआ, कैंटीन बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ। तो ऐसी सूरत में क्लासेस के लिए जितना जनरेटर चला उसकी डेप्रिसिएशन को तो P&L में डाल दें। जनरेटर ने याद रखिएगा जो वैल्यू लूज की है वो 12 रुपये ही की है, जनरेटर ने वैल्यू 12 रुपये ही लूज की है। कमलडेप्शन से मुराद होता है जनरेटर, इन एसेट अकाउंट होता है। डेप्रिसिएशन डेबिट अकमोडेशन क्रेडिट, 2 रुपए से क्या डेबिट करूं, सोच के बताएं।
कैंटीन बिल्डिंग में जहां ईंट बजरी सीमट जिस अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहे हैं उसी अकाउंट के अंदर जाके मैं कैंटीन की जो बिल्डिंग की कॉस्ट होगी, हाँ अगर ना मुकम्मल है तो सी डब्ल्यू आई पी, मुकम्मल हो गई है तो बिल्डिंग कर दें, जैसे भी करना है आपने, तो क्या एक टेंजेबल दूसरा टेंजेबल बनाने में हेल्प कर सकता है? क्या जनरेटर टेंजेबल एसेट हेल्प कर सकता है बिल्डिंग बनाने में? तो ये जनरल एंट्रीज की हुई भी है। क्या एंट्री है जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पी एंड एल में कितना जाएगा? 10 रुपए। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कैंटीन बिल्डिंग या बिल्डिंग अकाउंट समझ लें, कितने रुपए? 2 रुपए। लेकिन अकमोडेशन में याद रखिएगा कितना लेके जाना है। और अगर नोट बना रहे हो तो नोट में भी आपने जनरेटर को कितने सालों में, कितने साल, कितने रुपए से डेप्रिशिएट करना है? 12। अकमोडेशन अकाउंट में पूरी इसकी डिडक्शन जाएगी। लेकिन डेबिट इंपैक्ट थोड़ा सा किधर चला जाएगा? पी एंड एल में, और थोड़ा सा बैलेंस शीट में चला जाएगा। डेबिट इंपैक्ट सारा पी एंड एल में नहीं जाएगा, थोड़ा सा पी एंड एल में, थोड़ा सा बैलेंस शीट में। नोट कर लें। इसको छोटा सा लिख लिया करें क्वेश्चन के ऊपर, बिफोर क्वेश्चन 6, यानी क्वेश्चन 6 शुरू करने से पहले ये सवाल कराया गया था। जनरेटर एक बात याद रखिएगा, कितने रुपए से वैल्यू लूज करेगा? 12 रुपए से। बाकी पी एंड एल में इंपैक्ट थोड़ा 10 रुपए जाएगा, और दूसरे एसेट में आप 2 रुपए डाल देंगे। लिमिटेड कमेंस रिसर्च वर्क ऑन न्यू प्रोडक्ट यकम जुलाई 13 एंड एंटर्ड द डेवलपमेंट फेज ऑन यकम जुलाई 14। तो रिसर्च कब खत्म हो गई? यकम जुलाई 14 को। यकम जुलाई 14 से क्या शुरू हो गई? डेवलपमेंट। इन दिस रिस्पेक्ट द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड एंड डेबिटेड टू सीडब्ल्यूआईपी। ये खर्चे हुए और सीडब्ल्यूआईपी में हमने रिकॉर्ड कर दिए। खर्चे देख लेते हैं जी क्या हैं। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 एंड 30 जून 2014, तो ये खर्चे हुए हैं यकम जुलाई 13 से 30 जून 2014। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है वो तो फ़ौरन बात पकड़ लेते हैं क्योंकि उनको आदत है 30 जून 2014 से खेलने की। तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 का मतलब बोलें यकम जुलाई 13 से 30 जून 2014, और ये खर्चे किस साल हुए? यकम जुलाई 14 फॉर द ईयर एंडेड ऊपर लिखा हुआ है ना, यकम जुलाई 14 से 30 जून 2015। ओके, यकम जुलाई 13 को क्या शुरू हुई? रिसर्च। यकम जुलाई 14 को क्या शुरू हुई? डेवलपमेंट। यकम जुलाई 13 को रिसर्च स्टार्ट हुई, और यकम जुलाई 14 को क्या स्टार्ट हुई? डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। अच्छा, इस टेबल को ज़रा छोड़ें। क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट हैव बीन मेट, कब पूरा हुआ ये नहीं बता रहा,
लेकिन कहते हैं इनटेंजिबल को रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया जो है छः वो पूरे हैं, उस बारे में आप परेशान ना हो, वो पूरे हैं। इससे क्या फीलिंग आ रही है आपको, ये क्या बताना चाह रहे हैं? सारी डेवलपमेंट अच्छी वाली है, इससे सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं सारी डेवलपमेंट अच्छी वाली है। बेशक अंडरलाइन करके आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, इससे सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं सारी डेवलपमेंट अच्छी वाली है। कब पूरा हुआ रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया ये नहीं बता रहा, लेकिन ये बता रहा है कि क्राइटेरिया पूरा है। छह क्राइटेरिया के बारे में कहते हैं परेशान ना हो, वो पूरा है। ओके, इसका क्या मतलब है? कमर्शियल प्रोडक्शन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम यकम जनवरी 15। यकम जनवरी 15 से तो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होके कमर्शियली बाजार में बिकने लग गई। कमर्शियल प्रोडक्शन वॉज स्टार्टेड, प्रोडक्शन कहां स्टार्ट हुई होगी? पहले दिन वाली पिक्चर ध्यान में लाएं, फैक्ट्री में या आरएनडी डिपार्टमेंट में? फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट हुई होगी। इसका मतलब है आरएनडी डिपार्टमेंट ने डेवलपमेंट कब क्लोज कर दी? यकम जनवरी 15 को डेवलपमेंट क्लोज करना भी लिख सकते हैं आप, और यह भी लिख सकते हैं कि इस दिन कमर्शियली लॉन्च हो गया है या इंटेंजिबल इस्तेमाल होना इस दिन से शुरू हो गया है। ओके, ये कौन सी तारीख बनी जी? यकम जनवरी 15। किसी को याद हो रिसर्च के लिए कौन सा मार्कर येलो था? 12 महीने, ना ना ना, रिसर्च के लिए येलो था, रेड मार्कर था बुरी वाली डेवलपमेंट के लिए, और ग्रीन किसके लिए है? अच्छी वाली डेवलपमेंट के लिए, और स्काई ब्लू किसके लिए है? अमोर्टाइजेशन के लिए। तो बताए थे जी 12 महीने के खर्चे को हम कहाँ डालेंगे? एक्सपेंस में, और 6 महीने की डेवलपमेंट को? और आप मुझे बता सकते हैं कि इतना अरसा क्या होता रहा? 1.5 साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 1.5 साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती रही। ओके, इट इज एस्टिमेटेड दैट रिलेटेड प्रोडक्ट वुड हैव अ लाइफ ऑफ, ये शेल्फ का लफ्ज़ आमतौर पर इंटेंजिबल्स के लिए यूज़ करता है, यूजफुल लाइफ की बजाय शेल्फ लाइफ एक लफ्ज़ है, इंटेंजिबल्स के लिए यूज़ होता है ये शेल्फ लाइफ। यूजफुल लाइफ इसकी कितने साल है जी? 10 ईयर्स। अब वो उन चक्रों में नहीं डाला लीगल लाइफ कितनी है और बला कितना है। ओके, तो बजाय कि ये डायग्राम बनाएं पेपर में ना, ये असल में मेन चीज़ होती है, की डेट्स हैं ये। आप बता दें इतने अरसे को क्या करेंगे? एक्सपेंस, और इतने अरसे के खर्चे को कैपिटलाइज करेंगे, और इस दिन के बाद से अमोर्टाइज करेंगे। अच्छा यार, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इसमें कितनी रिसर्च है कितनी डेवलपमेंट है ये कैसे पता चलेगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भाई देखे ना, रिसर्च तो 30 जून 2014 को खत्म हो गई है, तो इसका मतलब है ये सारी रिसर्च है, और यकम जुलाई 14 से क्या शुरू हो गई है, और ये सारी डेवलपमेंट है। लेकिन एक चीज के बारे में मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये 6 महीने का खर्चा है और ये 12 का है, लेकिन इसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं कि ये 12 छः महीने का खर्चा है, बिकॉज इसके तोड़ के हिस्से कोई नहीं करने की जरूरत, क्योंकि 12 सारा का सारा कौन सी वाली डेवलपमेंट है? अच्छी वाली डेवलपमेंट है। तो ये जो 8 है, ये जो 8 है ये कौन सा खर्चा है जी? रिसर्च वाला, और ये जो 12 है ये 6 महीने हुआ है, ये कौन सा खर्चा है? डेवलपमेंट। तो ये रिसर्च का खर्चा हो गया, और ये किसका खर्चा हो गया? डेवलपमेंट का। ओके, आगे चलें जी, पॉइंट 9 को क्या करना है? एक्सपेंस में डालना है, कैपिटलाइज करना है, और 8 को और 12 को कैपिटलाइज। ओके, कॉस्ट ऑफ लैब इक्विपमेंट, ये स्टार देखें जरा, ब्लैक स्टार, कॉस्ट ऑफ लैब इक्विपमेंट। लेबोरेटरी में साइंसदानों को कोई इक्विपमेंट की जरूरत पड़ी होगी, कोई कंप्यूटर की, कोई मशीनों की, कोई और चीजों की जरूरत पड़ी होगी। कॉस्ट ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 14, जिन्होंने टैक्स पढ़ा हो तो फौरन उन्होंने पकड़ लिया कि 6 महीने इस्तेमाल हुआ है, पहले साल 6 महीने इस्तेमाल हुआ है। परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2014 हैविंग लाइफ ऑफ
5 ईयर, बस इतना सा पढ़ के बता दें क्या फीलिंग आ रही है, क्या क्या जहन में बात आ रही है, कोई इस तरह की सुनी हुई बात बता दें क्या है। वो जो जनरेटर वाली मिसाल थी अभी थोड़ी देर पहले, ओके, तो लैब इक्विपमेंट किस में इस्तेमाल हो रहा है, हमारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है, जो भी हम R&D का प्रोजेक्ट करके चीज़ बना रहे हैं, जो इंटेंजिबल बना रहे हैं, उसको बनाने में लैब इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब है लैब इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन को देखना पड़ेगा, किस फेज की डेप्रिसिएशन है। लैब इक्विपमेंट की रिसर्च फेज वाली डेप्रिसिएशन को कहाँ डालेंगे और लैब इक्विपमेंट की अच्छी वाली डेवलपमेंट फेज वाली डेप्रिसिएशन को कहाँ डालेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। रूल वही लगेंगे, जितना अरसा लैब इक्विपमेंट रिसर्च में यूज हुआ उसको एक्सपेंस में डालेंगे, और जितना अरसा लैब इक्विपमेंट अच्छी वाली डेवलपमेंट में यूज हुआ उसकी डेप्रिसिएशन को कहाँ डालेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन का क्या करना है, कैपिटलाइज। ये 2015 में क्यों हुई है कॉस्ट ऑफ ट्रायल रन, जाहिर बात है डेवलपमेंट हो गया फिर ट्रायल रन करके हमने देखा होगा क्या करना है इसका। ओके, परचेज ऑन जकम जनी 14 हैविंग एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। चलें जी शुरू करते हैं। मैं सवाल की रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल से एक्सप्लेन है, लेकिन मैं जनरल एंट्रीज पहले करा रहा हूँ, एक्सप्लेन जनरल एंट्रीज कर लेते हैं। 30/2014 की, 30/15 की, जनरल एंट्रीज सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं, सवाल की रिक्वायरमेंट में बाद में आता हूँ। ईयर एंड 30/14, ईयर एंड 30/15, बताएं जी। 8 रुपए की एंट्री, रिसर्च एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। की एंट्री बताएं, भाईजान पहले खरीद तो लो, और पहले खरीदने की एंट्री तो कर लो, फिर डेप्रिशिएट कीजिएगा। पहले बच्चों वाली एंट्री तो बता दें, आप फौरन बड़ों वाली बातें करने लग गए हैं। बताएं लैब इक्विपमेंट डेबिट, खरीदने तो दें उसके बाद अगली बात है, डेप्रिशिएट कर दें। जो चीज दिमाग पे चढ़ी होती है ना वही चढ़ी होती है। लैब इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, ओके, बस ठीक है। अब हमारा साल खत्म हो गया, तो बिल्कुल बिल्कुल उसी तरफ आने लगा। अब ये हमारे साल में एक डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी, लैब इक्विपमेंट देखिए इधर, लैब इक्विपमेंट यहां पे खरीदे हमने ये कम जनवरी 2014 को, और लैब इक्विपमेंट 6 महीने किसमें इस्तेमाल हुआ, रिसर्च में 6 महीने किसमें इस्तेमाल हुआ, मसला सुना करो बाद में फतवा दिया करो, 6 महीने किसमें इस्तेमाल हुआ, रिसर्च में, इस 6 महीने, इस 6 महीने लैब इक्विपमेंट पूछ रहा हूं, इस 6 महीने कहां इस्तेमाल हुआ, हमें नहीं पता कहां इस्तेमाल हुआ। हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया हो, या हो सकता है उधर ही लैब बंद कर दी हो और उसी के अंदर पड़ा पड़ा फिर डेप्रिशिएट हो रहा है। हमें कम से कम सवाल वाले ने गाइड नहीं किया, लेकिन ये लैब इक्विपमेंट हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं कर लिया, ये लैब इक्विपमेंट है और ये लैब में ही पड़ा रहेगा। तो ये जो लैब इक्विपमेंट है लैब में आखिरी 6 महीने पढ़ा ला, लेकिन कम से कम साइंसदान उस 6 महीने में उस कमरे में नहीं बैठे हुए, उनको हम कोई तनख्वाह नहीं दे रहे, इसलिए लैब इक्विपमेंट भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब आप मुझे बता दें लैब इक्विपमेंट की जो डेप्रिसिएशन है, इस 6 महीने वाले डेप्रिसिएशन को क्या करना है, एक्सपेंस में डालना है। इस 6 महीने वाले डेप्रिसिएशन को इस अगले 6 महीने में कैपिटलाइज, अगले 6 महीने में एक्सपेंस में तो डाल देना, फिर किसी और, हमें किसी और प्रोजेक्ट का तो बताया नहीं, तो पीएनएल में जनरल एंट्री तो करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए उस आखिरी 6 महीने के डेप्रिसिएशन को कहाँ डाल देंगे,
एक्सपेंस में डाल दें, मैं खत्म कर। ये लैब इक्विपमेंट के बारे में किसी ने लिखना है तो लिख ले, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये नीचे जो मैंने लाइन डाली है किसके लिए डाली है? लैब इक्विपमेंट के बारे में। ये लैब इक्विपमेंट किस में यूज हुआ है? रिसर्च फेज में। लैब इक्विपमेंट इतनी लेट क्यों लिया हमने? आगे मैं स्काई ब्लू लाइन नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता आगे लैब इक्विपमेंट किस मकसद में यूज हुआ है। लैब इक्विपमेंट लेट क्यों लिया हमने? जरूरत नहीं पड़ी होगी, पहले 6 महीने कागजी कार्रवाई होती रही होगी, फिर 6 महीने को लैब इक्विपमेंट की जरूरत पड़ी होगी। तो व्हाट इज द डेट ऑफ परचेज ऑफ लैब इक्विपमेंट? 11 जनवरी 14। तो हमारे साल कितने महीने डेप्रिशिएट करेंगे? अगले साल पूरा साल डेप्रिशिएट करेंगे। तो हमारे साल की 6 महीने की डेप्रिसिएशन बता दें लैब इक्विपमेंट की। ये कहाँ डालनी है? रिसर्च फेज वाली है। कमोलेटेड डेप्रिसिएशन। लैब इक्विपमेंट का लफ्ज मैं साथ लिख देता हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए, और इसके साथ P&L का, ताकि याद रहे P&L में जानी है, ये कैपिटलाइज नहीं होने कहीं। ये कब से कब तक की डेप्रिसिएशन है? हमारे साल के एंड तक की। जी बोले क्या? इंटू 6.0 कल टाइम टू टाइम आ जाने, वेबसाइट के बारे में बात होगी। मोहतरम आपने भी टाइम टू टाइम पहुंच जाने का। ओके चलें जी आगे। 12 क्या है? डेवलपमेंट है। इसे क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 12। ये 12 की किस चीज का खर्चा है? ये 12 क्या क्या खर्चा है? अच्छा, मैं तो समझ रहा था आप लोग घर जाके पढ़ रहे हैं। पेज 8 पैरा 66। द कॉस्ट ऑफ एन इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट कंप्राइजेस ऑल डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नेसेसरी टू क्रिएट और प्रोड्यूस द एसेट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी इसमें पड़ी होगी, इसमें कॉस्ट ऑफ कुछ सर्विसेज भी किसी से ली होंगी तो वो पड़ी होंगी, इसमें कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स वगैरह अराइजिंग फ्रॉम जनरेशन ऑफ इंटेंजिबल भी पड़ी होगी, और इसमें किसी और पेटेंट या लाइसेंस को यूज कर रहे हैं उसकी अमोर्टाइजेशन वगैरह भी डालनी है, या इसके अंदर हम लैब इक्विपमेंट यूज करें उसकी डेप्रिसिएशन भी डालनी है। तो ये चीजें इस कॉस्ट के अंदर पड़ी होंगी। मैं ये आपसे सुनना चाह रहा था, आप मुझे बता नहीं क्या सुना रहे थे। तो ये जो डेवलपमेंट का खर्चा है 12 मिलियन, इसमें क्या पड़ा होगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये सारी चीजें साइंस जो भी लैब के अंदर खर्चे हो रहे हैं ये इस 12 मिलियन में पड़े होंगे, और वही इस 8 मिलियन की रिसर्च के अंदर भी पड़े होंगे। ओके, पॉइंट 9 को किधर फेंकना है? P&L में फेंकना है। अच्छा, अजीब ना शहजादे लोग हैं, पैरा 66 भी लिखने की जहमत नहीं की कि सर ने पैरा 66 खुलवाया था। छोड़े इन लोगों को, आप लोग अपना इधर सीए करें, इन्होंने कुछ भी नहीं लिखना। ट्रेनिंग है, अगर साथ वाला आपके साथ साथ ना लिख रहा हो ना, उठ जाया करें उसके साथ, वो दोस्त चेंज करें। ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट, अब कोई नहीं, 6 महीने पिछले गुजर गए, गुजारा चलाया आपने इससे, अब बहुत होगी। कितना? 0.9। जी, कॉस्ट ऑफ लैब इक्विपमेंट वाली लाइन आ रही है, उसको भी छोड़ें। ट्रायल रन, इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट, ट्रायल रन का खर्चा। जी कितना? 0.6।
सिक्स ओके। आखिरी चीज बता दें जी, डेप्रिसिएशन किसकी? लैब इक्विपमेंट की। अकोमोडेटिव डेप्रिसिएशन किसकी? लैब इक्विपमेंट की। अच्छा मुझे ये बता दें कि जो अकोमोडेटिव डेप्रिसिएशन आ रही है लैब इक्विपमेंट की, वो हमने कितने महीने की निकालनी है? लैब इक्विपमेंट कितने महीने इस्तेमाल हुआ, उसमें से पहले 6 महीने कैपिटलाइज करने हैं, अगले 6 महीने एक्सपेंस आउट करने हैं। तो पहले टोटल डेप्रिसिएशन निकाल लें, कॉस्ट डिवाइडेड बाय 5 इंटू, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, जो 12/12 करना है वो आपकी मर्जी है। पूरे 12 महीने इस्तेमाल हुए, 12 में से 12 महीने इस्तेमाल हुए, लेकिन ये जो फिगर आएगी ना, ये इसके सामने लिखनी है कि हमारा लैब इक्विपमेंट इतने से वैल्यू लूज कर गया। जैसे जनरेटर वाली मिसाल दी थी 0.8, अब मेरे ख्याल से कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, 6-6 महीने इसके तोड़ के 2 हिस्से करने हैं बस, तो 6/12 किए बगैर आप जमाने पाते हैं 0.4। ये कब से कब तक की फेज होगी? अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें तरतीब से, तो तरतीब से लिख लें। डेवलपमेंट कितना अर्सा चली? 1 जुलाई 2014 से 31 दिसंबर, और यार हद होगी 1.5 साल चली। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये वो जो आखिरी 6 महीने जब हमें पता नहीं है किस मकसद में इस्तेमाल हुआ है, 1 जनवरी 2015 से 30 जून 2015, तो 0.0.4। डेप्रिसिएशन किसी अरसे से रिलेट करती है, इसलिए उसके सामने अरसा लिख दिया, उधर ही रखो। नहीं नहीं वो कॉस्ट अलग से दे रहे हैं ना, कॉस्ट अलग से दे दे तो आप ये अज्यूम नहीं करेंगे कि इसकी डिडक्शन उसने उसमें डाल दी है। देखो अभी सवाल की रिक्वायरमेंट है एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन वाली साइड पे अभी हम मूव करते हैं, फिर पता चलेगा क्या क्या लिखना है। आप सवाल जरा अपना दोबारा पूछो, पूछना क्या चाह रहे हो? हाँ वो P&L बैलेंस शीट में आपको वैसे इधर जबानी बनवा देता हूँ, इस सवाल वाले ने मांगी नहीं हुई, वो अलग से कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, बस P&L बैलेंस शीट में ये फिगर चली जाएगी नॉर्मल तरीके से। बिजनेस में तो इस तरह की कई ट्रांजेक्शन होती हैं, वो अलग से तो नहीं दिखा रहे होते हर जगह। ओके एंट्री बता दें भाई, एक रहती है यार वो जो स्काई ब्लू वाली आपने लाइन लगाई हुई है अमोर्टाइजेशन, हमारा इंटेंजिबल मुकम्मल हो गया है, तो इंटेंजिबल की कितने महीने की अमोर्टाइजेशन, क्योंकि इंटेंजिबल की लाइफ दी हुई है ना 10 साल। कितने लोगों के जहन में आ रहा था ये एंट्री करनी है? ओके अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और अकोमोडेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अच्छा जी कॉस्ट बताई इंटेंजिबल की, 12 जमा 0.6 जमा 0 इज इक्वल टू कितना हो गया? 13। कितने सालों पे डिवाइड करें? 10 ईयर्स पे डिवाइड करें, लेकिन हमारे साल में इंटेंजिबल कितने महीने इस्तेमाल हुआ? 6 महीने। इनटेंजिबल कोई प्रोडक्शन प्रोसेस होगा या कोई फॉर्मूला होगा, कोई भी चीज होगी जो हमने बनाई है। क्या जवाब आ गया? 0.65।
जी सवाल की रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अबव इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000 इन द लाइट ऑफ खाला जी के स्टैंडर्ड्स, जो भी आपको दिखाए हैं मैंने। ओके चलें जी, सॉल्यूशन में आपके सामने पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, इसको कल वाली बातें जहन में रख के सुनते जाइएगा। इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल मेजरमेंट और सबसिक्वेंट मेजरमेंट। मोटे मोटे जो हमने पॉइंट डिस्कस करने होते हैं वो कौन से हैं? इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। क्लियर? इनिशियल रिकॉग्निशन में क्या बताना होता है, किसी को याद हो? देखें, कोई स्पीच आप तैयार करते हैं तो स्पीच तैयार करने से पहले उसके मेन पॉइंट्स बताऊं तो वो बात आसान हो जाती है। तो ये हमारे दो तीन डिस्कशंस करनी होती हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। अच्छा, इनिशियल मेजरमेंट में आपने बताना होता है के रिसर्च, ट्रेनिंग, एडवर्टाइजमेंट और बला बला IS 38 प्रोहिबिट द रिकॉर्डिंग ऑफ दीज कॉस्ट, देयरफॉर दीज विल बी चार्ज टू SOCI या PNL, PNL में ये कॉस्ट जाएंगी, या रिसर्च, ट्रेनिंग, एडवर्टाइजमेंट, जो जो खर्चे एक्सपेंस में जाते हैं, और जो खर्चे कैपिटलाइज होते हैं उनके बारे में बताएंगे, और जो खर्चे बोलें मेजरमेंट की बात हो रही है ना, मेजर किस पे करना है, यानी कौन सी चीज़ें PNL में जानी है और कौन सी चीज़ें बैलेंस शीट में जानी है। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हम क्या डिस्कशन करेंगे बताया था आपको, अमोर्टाइजेशन की और इम्पेयरमेंट की डिस्कशन कर देंगे, और मेजरमेंट मॉडल, कॉस्ट मॉडल या रिवेल्यूशन मॉडल। साथ वाले को कहें कसम खा ले तूने नोट नहीं करना और मेरे पास से उठ जा, कसम खा ले आज के बाद तूने नोट नहीं करना। इनिशियल रिकॉग्निशन में कॉस्ट कैन बी मेड लाइबली और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। ये वैसे वो कम ही लिखता है, ये इतनी डिटेल में नहीं लिखता वैसे आई कैप, ये लाइन भी लिख देनी चाहिए हमें। बाकी इनिशियल मेजरमेंट में क्या चीजें एक्सपेंस में जानी है और क्या चीजें कैपिटलाइज होनी है। साथ वाले शहजादे ने इन तीनों बातों के ऊपर कोई हेडिंग नहीं लिखी कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, तो ज़रा एक दो मिनट उसको दें, उसे सोचने दें, वो फिर जो हेडिंग लिखे आप भी वो वाले लिख लें। क्या लिखेंगे ऊपर? हाउ टू एड्रेस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, कुछ इस किस्म की लाइन लिख लें, क्योंकि ऑनलाइन वाले आप दाएं बाएं देख नहीं सकते ना, इसलिए कोई लफ्ज़ बताना पड़ेगा। हाउ टू एड्रेस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, भाई क्लास को मजे मजे से 1x की स्पीड पे लिया करें, ये जो हम लोगों ने काम पकड़ा है ना कि CA जल्दी, 2x से CA जल्दी नहीं हो जाएगा, बल्कि उल्टा चीज़ों को आप ख़राब कर बैठेंगे, ये मान लें बात, इसको मैं आपको ज़रा समझा लें, 1x के ऊपर लेक्चर लिया करें। तो फिर ऐसे करते हैं, 1x को छोड़ें 2x के ऊपर, या आइंदा क्लास ले लिया करेंगे, तो मेरी 2x पे इधर हो जाएगी तो आपकी उधर 4x पे, फिर क्या बनेगा आपका? चलें जी आगे चलें, अगला सवाल हम कौन सा करें, जो क्वेश्चन 6 हम कर रहे थे, क्वेश्चन 6 के अंदर आके देखते हैं मोहतरम हम, ये ऐसे क्या फ़ायदा होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता, मज़े मज़े से क्लास लें आप। अच्छा अमोर्टाइजेशन और इम्पेयरमेंट, कॉस्ट मॉडल, रिवेल्यूशन मॉडल। ओके अच्छा, डिस्कशन से पहले थोड़ी थोड़ी फिगर्स याद कर ले ताकि सवाल में समझ आ रही हो। 8 रुपए क्या है? रिसर्च। और 4 रुपए किसकी कॉस्ट है?
और इसकी पहली डेप्रिसिएशन अगले साल 12 रुपए क्या है, इंटेंजिबल डेवलपमेंट कॉस्ट थी। और 0.6 किसी को याद हो, अभी भी सवाल पड़ा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या हो गया आपको, ट्रायल रन कॉस्ट थी। और ये वाला जो 0.4 था, लैब इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन थी। और 0.9 क्या था, ट्रेनिंग एक्सपेंस। और ये क्या है, इनटेंजिबल की अमोर्टाइजेशन। ओके, अब घर में आपने रजिस्टर के ऊपर जनरल एंट्रीज खोली हो और इधर देखते रहें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, डेवलपमेंट कॉस्ट रिकॉर्डिंग या आई के अपने हेडिंग्स बनाने की कोशिश की है बोल्ड में। सिंस द न्यू प्रोडक्ट मीट ऑल द क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, एन इनटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट ₹13 मिलियन। इनटेंजिबल को 13, लेजर लाइट नहीं है, इनटेंजिबल को 13 मिलियन पे रिकॉर्ड करना है। इनटेंजिबल को किस पे रिकॉर्ड करना है, 13 मिलियन पे। 12 + 0.6 + 0.4। इसने इनिशियल मेजरमेंट भी डिस्कस कर ली, साथ इनिशियल रिकॉग्निशन भी डिस्कस कर ली ऊपर ही। अच्छा जी, एज डिटेल्ड अंडर, 12 क्या है, इशारिया 4 क्या है और इशारिया 6 क्या है, बता दें जी। 12 क्या है, किसी को याद हो, कॉस्ट ऑफ 12 मिलियन इनकर्ड ऑन। अच्छा ये देख रहे हैं आईकेप, आप आईकेप ये भी बता रहे हैं कब से कब तक खर्चा हुआ सोल्यूशन में अपने, खाली 12 मिलियन नहीं लिख रहा, फ्रॉम 1 जुलाई 2014 टू। अच्छा डेप्रिसिएशन 0.4 वाली, जरा आंखें बंद करें सोचें, 0.4 वाली डेप्रिसिएशन कब से कब तक की है, जबानी याद होगा आपको, 1 जुलाई 2014, क्योंकि साल के शुरू से 1 जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2014 तक, वो जो दूसरे साल के पहले 6 महीने थे। और कैलकुलेशन भी आई कैप थ्योरी बेस्ड सवाल है, साथ साथ छोटी छोटी शो कर रहे हैं। ऑन लैब इक्विपमेंट फॉर द डेवलपमेंट फेज ऑफ 6 मंथ्स, किस फेज की कैपिटलाइज की है, डेवलपमेंट फेज की डेप्रिसिएशन कैपिटलाइज कर दी है। और इन द एंड इसमें उसने आगे कोई तफसील नहीं दी, बस ट्रायल रन को कैपिटलाइज कर दिया। तो ये कॉस्ट आ गई, ये देखें कि सोल्यूशन बढ़ाने के तरीके, तो बस वो फेज लिखता रहा है, अरसा लिखता रहा है, और ये इस तरह के एक बढ़ता रहे जिससे बढ़ गया सारा। ओके, अमोर्टाइजेशन के ऊपर डिस्कशन कर दी उसने। अच्छा ये डिस्कशन उसने कर दी कॉस्ट और ये वाली कोई उसने खास नहीं की, कॉस्ट कैन बी मेड लायबल इन फ्यूचर इकोनॉमिक, ये डिस्कशन उसने नहीं की। अच्छा इनिशियल मेजरमेंट में हो गया, कैपिटलाइज क्या करना है, ये वाली उसने डिस्कशन अभी नहीं की, एक्सपेंस में क्या डालना है ये नहीं की अभी उसने। आगे उसने अमोर्टाइजेशन पर डिस्कशन एकदम शुरू कर दी। अमोर्टाइजेशन जी पढ़ें जी, अमोर्टाइजेशन सिंस द प्रोडक्ट हैज अ शेल्फ लाइफ ऑफ, यानी बताना चाह रहे हैं इंडेफिनिट नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। द अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू शुड बी चार्ज टू एसोसीआई फॉर द पीरियड ऑफ, वो तेरी खैर ये भी इसने लिखा है, कब से कब तक की अमोर्टाइजेशन, स्काई ब्लू 1 जनवरी से लेके 30 जून 2015 तक की, 1 जनवरी 2015 से लेके ये 6 महीने की अमोर्टाइजेशन, क्योंकि आप लोगों ने पता क्या लिख के आना था, एसओसीआई विल शो अमोर्टाइजेशन ऑफ रुपी, चल रशीद अगे आई क्या लिख के आया है, सिंस द प्रोडक्ट हैज अ शेल्फ लाइफ ऑफ 10 इयर्स, द अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू ₹0.65 मिलियन शुड बी चार्ज टू पीएनएल फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, दैट इज 1 जनवरी 2 30 जून 2015। ओके, अब ये वो तो नहीं है कि अपनी तरफ से कोई शेर डाल दे बंदा, सवाल से ही उठा के चीज़ें डालनी है, शायर ने क्या खूब कहा है शायर इधर ही बैठा है, कितने लोग बनाते थे शेर, टीचर ढूंढ रहे हो ये किस किताब से शेर तुमने ये आपको क्या बताऊँ, ये दादी अम्मा के पास किताब थी, अब वो चली गई है। लैब इक्विपमेंट वसीयत की थी साथ ही दफन, लैब इक्विपमेंट कॉस्ट रिकॉग्निशन एज टेंजिबल एसेट। लैब इक्विपमेंट के ऊपर वो डिस्कशन करना चाह रहा है थोड़ी सी, लैब इक्विपमेंट कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड, कितने रुपए, 4 रुपए, 4 4 4 4 4 एज टेंजिबल, 4 रुपए जो ओरिजिनल एसेट खरीदे उसको टेंजिबल शो करें, एज इट इज हैविंग अ लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर एंड टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर लाइफ ऑफ। तो लैब इक्विपमेंट के बारे में बता दिया इसने कि इसको टेंजिबल मानना है, और टेंजिबल को कितने सालों पर डेप्रिशिएट करना है,
पाँच सालों पे, ये कौन सी डिस्कशन शुरू करें? जरा सोच के बताएं, रिसर्च एंड अदर कॉस्ट्स, इनिशियल मेजरमेंट में जिन चीज़ों को किस में डालना है? एक्सपेंस में डालना है। IAS 38 does not allow capitalization of cost relating to. Therefore, these costs, ये English कल आपको लिखवाई थी, therefore these costs should be charged to in the period in which they are. However, research of 8 million and depreciation of pertain to last year. आगे नहीं पढ़ना आपने, ये जो आगे लिखा हुआ है ना सारा, ये मैं कोशिश करूँगा अगर आज समझा सका तो आज, वरना फिर किसी दिन, ये ना जाके अंडरलाइन कर लें, ये IAS 8 है और IAS 8 हमारे सिलेबस में FR 1 में जा चुका हुआ है, तो ये IAS 8 की डिस्कशन है। इसका थोड़ा सी आपको हिंट दूंगा, इस सॉल्यूशन को आपने दो दफा घर जाके लिखना है, कम से कम यहां से देख के इसको दो दफा लिखेंगे फिर अगले सवालों में इंशाल्लाह इश्यू नहीं आएगा आपको। अच्छा भाई आगे बता दें, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ को क्या करना है? शुड बी चार्ज टू फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 एंड डेप्रिसिएशन ऑफ 0.4 मिलियन ऑन लैब इक्विपमेंट फॉर द पीरियड। अच्छा डेप्रिसिएशन कौन सी वाली रह गई है ये जरा देखते रहें, एक मिनट, कौन सी वाली रह गई है? स्काई ब्लू से जरा देखिएगा, ये 0.4 वाली जो इंटेंजिबल में डाली थी, ये 0.4 ये वाली डिस्कस हो गई। अच्छा ये को डेप्रिसिएशन भी डिस्कस हो रही है 0.4 वाली रिसर्च फेज वाली, ये वाली है। अब डेप्रिसिएशन कौन सी वाली रहेगी? लास्ट 6 मंथ्स वाली। तो डेप्रिसिएशन ऑफ 0.4 ऑन लैब इक्विपमेंट फॉर द पीरियड फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन डेट इज जकम जनवरी टू 30 जून शुड बी चार्ज टू P&L फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। बस कर दे यार, हाँ ठीक है अगला सवाल शुरू हो गया। तो ये 7 नंबर के लिए इसने लिखे, मेरा नहीं ख्याल को इतना ज़्यादा लिखा, आपके मैनेज कर लेंगे। अच्छा एक और तरीका भी होता है, वो ये तरीका होता है कि जनरल एंट्रीज देख लें, सारी पूरी हो गई हैं, ये 8 रिसर्च के बारे में कुछ लिखा हुआ था, 4 लैब इक्विपमेंट के बारे में लिखा हुआ था, इट शुड अपीयर एज एन इनटेंजिबल एंड शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर 5 ईयर्स, इस फेज के डेप्रिसिएशन के बारे में बताया हुआ था, इस 12.6 और 4 के बारे में इकट्ठा बताया हुआ था, ट्रेनिंग के बारे में बताया था इसको एक्सपेंस में डालना है, और इस डेप्रिसिएशन के बारे में भी बताया हुआ था, और शुरू में ही सवाल के इस अमोर्टाइजेशन के बारे में भी बताया था। तो अगर खुदा ना खास्ता वो ब्रॉड हेडिंग्स ना पता हो तो जनरल एंट्रीज भी अगर जहन में हो तो उनको भी लेके बंदा चल सकता है कि कोई एंट्री की डिस्कशन मिस ना हो जाए, सारी एंट्रीज की डिस्कशन इसने कर दी है इधर। ओके IAS 8 2011 में मुझे पता चला, आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड सेल ऑफ 2011 में मुझे पता चला आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड सेल ऑफ 2010। इसका नाम IAS 8 रखता है प्रायर ईयर एरर, बोलें प्रायर ईयर एरर, पिछले साल की गलती, प्रायर ईयर एरर, पिछले साल की गलती, क्लियर। अच्छा मुझे बता दें इसकी एंट्री क्या है? अब पिछले साल में तो हम जाके सही नहीं कर सकते ना, कि टाइम मशीन में बैठ जाएं और 31/12/10 की डेट डाल के एंट्री कर दें, कैसे करें? पिछले साल के अकाउंट्स तो प्रिंट होके यूज़र्स के घरों में जा चुके हैं, पिछले साल के अकाउंट्स तो प्रिंट होके यूज़र के घरों में जा चुके हैं, तो इसलिए पिछले साल की गलती पिछले साल जाके तो सही नहीं की जा सकती। तो 11 में खड़े होकर अगर 10 की गलती पता चले तो क्या 10 के अंदर जाके 10 की डेट डाल के एंट्री कर सकते हैं? आपको पुराना गुनाह याद आ रहा है, आज ही तोबा कर सकते हैं, उस दिन जाके अंडू तो नहीं कर सकते गुनाह को। अच्छा अब
सोच लें अपने अपने पुराने, अभी भी माफ़ी मांग लें बैठे बैठे, अल्लाह वो भी माफ़ कर दे, वो भी नहीं करूँगा आइंदा, सोचे 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 वो भी नहीं करूँगा, वो भी नहीं करूँगा। अच्छा 2011 क्या होता है, कई दफ़ा लोग कहते हैं मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, आप आगे से कह दें हाँ वो बुरा क्यों मना जाते हैं, बुरा क्यों मना जाते हैं लोग, ऊपर ऊपर से कह रहे होते हैं। अच्छा बोलें जी, बोलें बोलें बोलें, एंट्री डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ठीक है जी, ये एंट्री आइडियली होनी चाहिए, लेकिन असल में पिछले साल की सेल है ये। डेटर डेबिट करने में कोई मसला नहीं, डेटर डेबिट हो जाए क्योंकि डेटर से पैसे लेने हैं, पिछले साल की सेल है ये। तो ये सेल अगर आपने क्रेडिट कर दी ना, तो 11 के P&L में नजर आने लग जाएगी, क्योंकि आपको पता है फाइनल अकाउंट का आपने टॉपिक इंट्रो में पढ़ा हुआ है, डेटर बढ़ाते हैं सेल बढ़ाते हैं, जब सेल बढ़ाते हैं तो P&L में सेल नजर आने लग जाती है, तो ये फिर ब्लंडर हो जाएगा। P&L में सेल नजर आ रही होगी किस साल की, 10 की, किस साल वाले में। अच्छा इसकी बजाय हम करते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग कौन सा अकाउंट होता है, ये भी बैलेंस शीट का अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट नहीं है। इसमें इस साल की अर्निंग पड़ी होती है इस अकाउंट में, या पिछले सारे सालों की अर्निंग। तो हमारे साल अकमुलेटेड प्रॉफिट्स भी इसका नाम होता था, अकमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो इस अकाउंट को आने वाले दिनों में हम डिटेल से देखेंगे, फिलहाल इस बहस में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन IS-8 का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप नोट कर लें कि अगर पिछले साल की गलती सही करनी हो तो पिछले साल की गलती, क्या पिछले साल का P&L हमारे हाथ में है या हमारे हाथ से निकल चुका है, हमारे हाथ से निकल चुका है, लेकिन पिछले साल पिछले सारे सालों की अर्निंग्स कैपिटल के नीचे पड़ी होती हैं। ये रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट, जरा सोचें FR1, ये रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट कैपिटल के नीचे पड़ा होता था, तो ये पिछले सारे सालों की अर्निंग्स के अंदर ये वाली अर्निंग भी डाल दें, क्योंकि ये हमारे साल की अर्निंग नहीं है। सेल को लिखें, सेल काट के रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा जी, अब आप हजरात मुझे एक चीज बताएं कि हमारे सवाल में आ जाएं, हमारे सवाल में करंट ईयर कौन सा है, 15, जैसे भी जहन में हम सोच रहे थे ना 11 और 10, तो हमारे सवाल में करंट ईयर कौन सा है, 15। उसने रिक्वायरमेंट में देखें सिर्फ 15 ही डाला हुआ है, कि आपने डिस्कशन किस साल के बारे में करनी है, 15 के बारे में, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015। हम किस साल में खड़े हैं, 15 में, पिछला साल कौन सा है, तो असल में ये कौन सा साल है, पिछला साल। अच्छा अब मुझे आप ये सवाल में बताएं सोच के कि हमारे अकाउंटेंट ने ये एंट्रीज करते हुए कोई गलती की है, या ये सारी एंट्रीज 14 वाली एंट्रीज 14 में सही सही रिकॉर्ड की होंगी और 15 वाली एंट्रीज 15 में सही सही रिकॉर्ड की होंगी, जरा सोच के बताएं। सवाल में कोई ऐसी लाइन लिखी है जिससे पता चल रहा हो कि हमारे अकाउंटेंट ने कोई गलती की है, या ये सारी एंट्रीज हमारे अकाउंटेंट ने सही कर दी होंगी, ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। सवाल में कुछ है रॉन्गली, या इस तरह का कोई लफ्ज है जिससे पता चल रहा हो कि अकाउंटेंट ने गलती कर बैठा है। एक्सेलेंट, सवाल में एक लाइन है जिसको मैंने छुड़वा दिया था पढ़ते हुए, उस लाइन को अब मैं फोकस करने लगा हूं। हमारा अकाउंटेंट ब्लंडर मार चुका है, फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड एंड डेबिटेड टू वर्क इन प्रोग्रेस। याद रखिएगा, वर्क इन प्रोग्रेस एसेट नेचर का अकाउंट होता है, ये काम कर चुका, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, आप कर दो, आप ही कर दो, हाँ हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ ऊपर, कोई नहीं,
अच्छा जी, तो बताएं अकाउंटेंट क्या गलती कर चुका है? फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड एंड डेबिटेड टू CWI। अच्छा, हमारे साल जो गलती हुई वो तो हुई, इसको साइड पर रखें। मुझे बताएं पिछले, सॉरी ये हमारा साल तो ये है, पिछला साल। मुझे बताएं हमारे साल तो जो गलती हुई वो हुई, उसको छोड़ें, पिछले साल क्या गलती हुई है? इस 12 मिलियन की क्या एंट्री हो चुकी है? बोलें बोलें बोलें। CWIP डेबिट कैश क्रेडिट। अब पिछले साल की मुझे रॉन्ग एंट्री आपने बतानी है, इसके ऊपर लिखें जी ओरिजिनल, इसके ऊपर लिखें ओरिजिनल। सवाल ने एंट्रीज मांगी नहीं, लेकिन एंट्रीज से बात जरा समझ आती है। ओरिजिनल एंट्रीज, ओके। रॉन्ग एंट्री बताएं जो 30 जून 2014 के साल में हमारा अकाउंटेंट कर चुका है। बड़ी आसान सी एंट्री है, उसने बताई हुई है, एंड डेबिटेड टू CWIP। क्या एंट्री कर चुका है अकाउंटेंट 30 जून 2014 के साल में? बोले CWIP डेबिट कितने से? 12 से। अब आप कहीं ये ना घरों में बैठ के सोच रहे हो क्या उसने सर 4 तो लैब इक्विपमेंट में ही डाला होगा। नहीं भाई, अब मैं क्या करूं, सवाल वाला कह रहे हैं, बात खत्म हो गई है। एंड डेबिटेड टू CWIP, बस। फॉलोइंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वर इनकर्ड एंड डेबिटेड टू CWIP। अब बता दें जी, पिछले साल जो यूजर्स के घरों में बैलेंस शीट गई हुई है उसमें तो ये CWIP में पड़ा होगा, लेकिन हम तो कह रहे हैं पिछले साल अभी चली कौन सी फेज रही है, रिसर्च फेज चल रही है, तो उसमें तो एक खर्चा भी वर्क इन प्रोग्रेस में ऐड नहीं होना चाहिए। वर्क इन प्रोग्रेस इंटेंजिबल का ही बनाया होगा उसने, इंटेंजिबल एसेट ही उसने बनाया होगा, तो उसमें इसने डाल दिया। भाई आप खड़े हो, जिंदगी के किसी मोड़ पर ये रॉन्ग एंट्री आपके सामने रखी जाए और ये ओरिजिनल एंट्रा आपके सामने रखा जाए और कहा जाए कि रेक्टिफाइंग एंट्री कर दो, तो आप कर सकते हो? छोटी छोटी एंट्रीज तो आपने, आप लोगों ने क्या क्या, पता है आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने इस तरह की हुई है ओरिजिनल एंट्री एसेट डेबिट पेएबल क्रेडिट 10 रुपए। टीचर कहते थे रॉन्ग एंट्री हुई है, एसेट डेबिट पेएबल क्रेडिट 9 रुपए। सर रेक्टिफाइंग मैं कराता हूँ, मैं कराता हूँ जल्दी से, सर मैं करा देता हूँ, सर एसेट डेबिट और पेएबल, सर ये मेरी तरफ से ठीक है। लेकिन आपका तो लेवल है ना, ये तो बच्चे बच्चे आपके साथ अलग करता था, आपका तो लेवल है, आप तो इस रॉन्ग एंट्री को आपके सामने रखा जाए और इस ओरिजिनल एंट्री को आपके सामने रखा जाए और आपसे कहा जाए रेक्टिफाइंग कर दो, तो आप परेशान नहीं होंगे। अब हम रेक्टिफाइंग एंट्री करने लगे हैं। अच्छा जी, अच्छा एंट्री करने का तरीका क्या होता है ये जरा सुन ले, एक मिनट, खामोश खामोश खामोश। कैश क्रेडिट तो अकाउंटेंट करना इसलिए नहीं भूलता क्योंकि कैश तो जेब से पैसे जा रहे होते हैं ना, तो कैश रेक्टिफाइंग एंट्री में कभी भी नहीं आता क्योंकि अकाउंटेंट कैश पे कर देता है, कैश पे करना भूलता नहीं, वो जेब से पे करा होता है। कैश कितना रिकॉर्ड कर दिया, कितना करना चाहिए था, इसको मैं टिक कर देता हूं, थोड़ा सा जरा मैनुअल तरीके से, बच्चों वाले तरीके से चलते हैं। 12 क्रेडिट होना चाहिए था, हो गया, तो कैश का रेक्टिफाइंग एंट्री पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अच्छा, CWIP डेबिट हो गया, नहीं होना चाहिए था,
CWIP को क्या कर दें? 12 से आगे तो आसान है। रिसर्च डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ। रिसर्च एक्सपेंस डेबिट, लैब इक्विपमेंट डेबिट होना चाहिए था, लैब इक्विपमेंट डेबिट नहीं हुआ। कितने से? 4 से। डेप्रिसिएशन डेबिट होनी नहीं, डेप्रिसिएशन 0.4। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन या स्लैश लैब इक्विपमेंट भी, अगर आप बुक वैल्यू पे अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, समझने के लिए मैं लैब इक्विपमेंट लिख दूंगा। लैब इक्विपमेंट 4 से बढ़ा और डेप्रिशिएट होने की वजह से 0.4 से कम हुआ। जैसे आप एसेट अकाउंट कई दफ़ा बनाते थे कि 4 से खरीदा, 0.4 से डेप्रिशिएट हो गया, तो कैरी डाउन जो है कम पड़ा हुआ है। तो अकमुलेटेशन अकाउंट भी इसे कहते हैं, लैब इक्विपमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं आप। तो लैब इक्विपमेंट 0.4 से क्रेडिट नहीं हुआ, तो लैब इक्विपमेंट ही मैं लिख रहा हूं, अकमुलेशन भी इधर लिख सकते हैं। कितना? 0.4। देखें एंट्री मैच कर रही है, 12.4। ये कुछ भी नहीं है, ये बच्चों वाला काम है, एक मैनुअल सा काम है। दोबारा जरा देख लें क्या करना था। कैश कितने से क्रेडिट होना चाहिए था? 12 से। कितने से हो गया? तो क्या करें? कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, CWIP क्या होना चाहिए था? इसको आसान आसान मतलब इसका ये होता है, रॉन्ग को उल्टाएं और ओरिजिनल को लाएं। बोले, रॉन्ग को उल्टाएं और ओरिजिनल को लाएं। बस ये किया हमने। लेकिन जहां तक ताल्लुक है, ये बैलेंस शीट का आइटम है, ये P&L का आइटम है, ये P&L का आइटम है, ये बैलेंस शीट का आइटम है, ये बैलेंस शीट का आइटम है। तो जहां जहां एक्सपेंस का लफ्ज आ रहा है, एक्सपेंसेस गए होते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में या एसेट्स लाइबिलिटीज? रिटेन्ड अर्निंग्स में, अर्निंग्स में, प्रॉफिट्स में। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं? किसी को याद आ रहा हो F1? रिटेन्ड अर्निंग क्या होती हैं? एक साल का प्रॉफिट या सारे सालों का प्रॉफिट? तो प्रॉफिट्स में एसेट्स लाइबिलिटीज जाती हैं या प्रॉफिट्स में खर्चे जाते हैं? उधर मैंने जो भी थोड़ी देर पहले किया था, डेटर को काटा था या सेल को काटा था? P&L वाले आइटम को काट के क्या लिखना है? रिटेन्ड अर्निंग। P&L वाले आइटम ढूंढें और इसकी जगह क्या लिखें? रिटेन अर्निंग। इसकी जगह क्या लिखें? ये एंट्री किस साल खड़े होके, किस साल की गलती सही हो रही है? 15 में खड़े होकर 14 की गलती सही हो रही है। ये 2014 की रॉन्ग एंट्री थी, रेक्टिफाइंग एंट्री की। 15 में खड़े होकर 14 की प्रायर ईयर एरर सही की। प्रायर ईयर एरर क्लास से आई एस 8 के अंदर जो यूज होता है, प्रायर होता है पिछला। 15 में खड़े होकर 14 की प्रायर ईयर एरर सही की। सही लिखना मुश्किल है, दुरुस्त लिख देते हैं। 15 में खड़े होकर 14 की प्रायर ईयर एरर दुरुस्त की। 14 में तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, तो डेप्रिसिएशन तो चार्ज की ही होगी। हाँ ठीक है, ये रॉन्ग एंट्री तो हुई नहीं होगी डेप्रिसिएशन की। हाँ, डेप्रिसिएशन की एंट्रीज अगर हुई होती है वो बताता, तो रॉन्ग में उसने सिर्फ CWIP डेबिट कैश क्रिएट कर दिया। हम अब जो ओरिजिनल एंट्रीज करेंगे उनमें तो हमें राइट है ना डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, होनी तो चाहिए ना। जो हमने करना है वो तो सही सही करेंगे ना।
ओके तो ओरिजिनल और रॉन्ग अगर सामने आ जाए तो रेक्टिफाइंग बनाना कोई मसला नहीं है। क्या क्या तरीका होता है? रॉन्ग को उल्टा दें और ओरिजिनल को एज इट इज पोस्ट कर दें यहां पे। ओके अब आप हजरात मुझे बताएं कि किस आइटम को काट के रिटेन्ड अर्निंग लिखा करना है, किसको काट के रिटेन्ड अर्निंग लिखने की जरूरत नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग में कौन से आइटम्स पड़े होते हैं? हाँ, सेल्स और एक्सपेंसेस। तो सेल्स और एक्सपेंसेस यहां ढूंढ लें, वो सिर्फ ये आ रहा है और ये आ रहा है, इसको काट के क्या लिख दें? रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं रिटेन्ड अर्निंग कम हो रही है या बढ़ रही हैं? क्या आप बता सकते हैं खर्चे बढ़ाने से अर्निंग? वैसे तो डेबिट से भी समझ आ रहा है ना, अर्निंग डेबिट हो रही है, अर्निंग क्रेडिट नहीं हो रही। बातें मुश्किल तो नहीं हो रही, आसान सी बात है। अर्निंग क्रेडिट हो रही है तो बढ़ रही है अर्निंग। एक और आसान तरीके से सोचें, खर्चे रिकॉर्ड होंगे तो खर्चे रिकॉर्ड होने से अर्निंग कम होंगी। मुझे बता दें वैसे अर्निंग कितने से कम होंगी? 8.4 से। अर्निंग क्यों कम होंगी? क्योंकि पिछले साल मैंने खर्चा रिकॉर्ड लेकिन मुझे करना, तो खर्चे रिकॉर्ड करने से अर्निंग कम हो जाएंगी। अब वो जो लाइन छोड़ी थी वो जरा पढ़ें। अच्छा, ये 8.4 का ही मसला चल रहा है। 8 इसमें क्या है? रिसर्च और 0.4 डेप्रिसिएशन। इधर लाओ, 8 रिसर्च और 0.4 डेप्रिसिएशन। IAS 38 does not allow the recording of research work, therefore these costs should be charged to P&L. However, research cost of 8 million and depreciation of 0.4 pertain to last year. However, 8 and 0.4 relate to last year. Therefore, comparative figures kya hoti hain? Is saal ki ya pichle saal ki? Therefore, pichle saal ki figures for kaun sa saal? Should be changed. Restate to zara mushkil sa lafz hai. Should be changed. पिछले साल की फिगर्स वही रहने दें या चेंज करें? लेकिन चेंज तो ऑब्वियसली इसी साल खड़े होकर आप कर सकते हैं, और क्या हो सकता है? पिछले साल की फिगर्स शुड बी चेंज्ड एंड रिटेन्ड अर्निंग शुड बी डिक्रीज्ड। रिटेन्ड अर्निंग शुड बी डिक्रीज्ड। ये जो एडजस्टेड का लफ्ज है ना, ये एक बार याद रखिएगा। आई कैप ने बस यूज कर लिया, अल्लाह भला करे आई कैप का, ये धोखा देने के लिए होता है। कई दफ़ा फर्म में ना, आप लोग जूनियर होंगे लेकिन चलते चलते क्या बन जाएंगे? सीनियर। आपका जूनियर आएगा और आपसे आके पूछेगा, ये जो 10 मिलियन आ रहा है इसकी मुझे समझ नहीं आ रही प्लस करना है या माइनस। आप उसे गुस्से से कहेंगे जाओ एडजस्ट कर दो, क्योंकि आपको खुद नहीं समझ आ रही होगी क्या करना है। जाओ एडजस्ट करके आ जाओ बस। तो ये जो एडजस्ट का लफ्ज़ है ना, ये कई दफा खतरनाक हो जाता है। तो एडजस्ट को अंडरलाइन करके हमारे सिनेरियो के तवार से क्या लिख लें? अच्छा जी, एंड रिटेन्ड अर्निंग्स शुड बी डिक्रीज्ड फॉर दीज अमाउंट्स। दीज अमाउंट्स बता दें कितनी है? 8। दीज अमाउंट को अंडरलाइन करके 8.4 से रिटेन्ड अर्निंग कम कर दो, या खर्चे बढ़ा दें। खर्चे कैसे बढ़ाएं? खर्चे तो बढ़ा ही नहीं सकते, वो तो पिछले साल के P&L के खर्चे हैं। तो खर्चे नहीं बढ़ाएं आप, सीधा सीधा क्या काम कर दें? अर्निंग कम कर दें। रिसर्च बढ़ा दें, डेप्रिसिएशन बढ़ा दें, नहीं, इसकी बजाय अर्निंग्स क्या कर दें? कम कर दें। तो ये छोटी सी डिस्कशन थी IAS 8 की।
इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? प्रायर रियर एरर। ओके जी, हमने क्या किया आज? क्या किया पहले? सेवन नहीं कंप्लीट किया आज यार, छोड़ दे आज ते। क्वेश्चन फाइव का थ्री और फोर, ये मैंने सोचा कुछ और हुआ था, वैसे किया हमने आज कुछ और है। अच्छा, थ्री का थ्री और फोर, आगे चलें। फोर नहीं किया हमने आज जी, क्या किया? एग्जाम्पल लिखी थी, ठीक है। आगे इसके बीच में कुछ किया था मेरे ख्याल से, नहीं बस ठीक है। पास पेपर क्वेश्चन सिक्स, ओके। जी हाँ, ये मैं अब एक दो मिनट से यही खामोशी से सोच रहा था, ये डिस्कशन मैं आपसे करूँ या ना करूँ। आई कैप ने अपने सोल्यूशन में नहीं की हुई, मेरे ख्याल से ये डिस्कशन होनी चाहिए। भाई 30/15 में भी यही गलती हुई है, देखें 30/15 में क्या हुआ है। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड एंड डेबिटेड टू CWIP। तो अब आई कैप ने कोई खास इतनी डिस्कशन नहीं की हुई, इसने सवाल पूछा हुआ था एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उसने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनकी सही से डिस्कस कर दी है। अगर आपने एक लाइन एंड पे डालनी है तो यहाँ पे जाके आप सवाल में डाल सकते हैं, इन 2015 CWIP शुड बी रिवर्स्ड एंड रेलिवेंट एडजस्टमेंट्स इन अदर अकाउंट्स विल बी मेड। क्योंकि थ्योरी का सवाल है ना, अब एक एक को इंग्लिश में ज़्यादा, अब वो हमने सारी फिगर्स तो ऊपर डिस्कस कर ली। इन 2015 CWIP शुड बी रिवर्स्ड एंड रेलिवेंट एडजस्टमेंट्स शुड बी मेड इन अदर अकाउंट्स, लेकिन इधर रिटेंड अर्निंग हिट नहीं होगी। इधर क्यों नहीं रिटेंड अर्निंग हिट होगी? हमारे साल का P&L अभी हमारे हाथ में है, एंड रेलिवेंट एडजस्टमेंट्स शुड बी मेड इन अदर अकाउंट्स। नहीं नहीं नहीं, 15 की गलतियां तो 15 में पता चल गई ना, 15 की, हम तो 15 में खड़े हैं ना, और 15 की गलती अगर 15 में पता चल जाए तो ये IS-8 के स्कोप में नहीं है। ये तो सिंपल इंट्रो की क्लास में होता था कि हमारे साल की गलती किस साल पता चल गई, हमारे साल। इन 2015 CWIP शुड बी रिवर्स्ड एंड रेलिवेंट एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन अदर अकाउंट्स। और मैं इस साइड पे लेके नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि वो बहुत टाइम लग जाएगा, इससे ऐसी एंट्रीज हमने आने वाले दिनों में और भी करनी है, क्योंकि फिर ये रॉन्ग एंट्री इसकी जगह कुछ और हो गई है, और फिर इसको ओरिजिनल रख करके वो फिर बड़ा टाइम लग जाएगा इसमें, और उसने भी डिस्कशन नहीं की भी। ओके अच्छा जी, एक बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट, परचेज R&D पॉसिबल है? R&D परचेज कर लेना, परचेज्ड अगर R&D होगी ना तो उसमें सब कैपिटलाइज होगा, हालांकि उसमें R भी पड़ी है, उसमें क्या होगा? सब कैपिटलाइज होगा। कोई भी मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पे केक्स एंड बेक्स वालों ने
रेसिपी, पता नहीं यही स्पेलिंग होते हैं शायद। अच्छा, केक्स एंड बेक्स वालों ने, आई तो नहीं होता एक और बीच में, केक्स एंड बेक्स वालों ने पी के बाद आई होता है? नहीं होता। अच्छा, तो केक्स एंड बेक्स वालों ने रेसिपी बनाई, किसकी बनाई रेसिपी? हनी पिज़्ज़ा, शहद से पिज़्ज़ा बनेगा। अच्छा, इसके ऊपर रिसर्च भी की और इसके ऊपर डेवलपमेंट भी शुरू कर दी। अभी डेवलपमेंट चल रही थी कि केक्स एंड बेक्स वालों ने सोचा, बेकरी का नाम है क्योंकि होस्ट है, बाहर वाले भी क्लासें ले रहे हो, इधर लाहौर में एक बेकरी है, होस्ट है बाहर वाले शहरों में ना हो ना बेकरी ये वाली। तो केक्स एंड बेक्स वालों ने सोचा कि यार हम इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करते हैं। गोरमे वालों को कानों कान खबर हुई, गोरमे वालों ने कहा यार ये प्रोजेक्ट हम आपसे बाय करते हैं, हम इस प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे, आप परेशान ना हो, आप ये प्रोजेक्ट हमें दे दो, कितने का लगाओगे? अब ऑब्वियसली हमारे लिए ये परचेज गारंटी है, इसलिए भी पैसे देंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? कैपिटलाइज। बाद में अगर गोरमे वाले फिर खुद उस पर रिसर्च शुरू कर दे, वो एक्सपेंस होगी बुरी वाली डेवलपमेंट, और गोरमे वालों की अच्छी वाली डेवलपमेंट कैपिटलाइज होगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अभी आपको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं लिखवा देता हूँ। पास पेपर के क्वेश्चन 4 की मुझे जनरल एंट्रीज जल्दी से करवा दें। पास पेपर के क्वेश्चन 4 का ये एक आसान सा कॉन्सेप्ट था, इसलिए एंड के लिए रखा हुआ था। पास पेपर क्वेश्चन 4 का आखिरी पॉइंट 4 का बी ट्राई करें, ज़रा जनरल एंट्रीज कर दें, खुद भी कुछ करें। इस सवाल के नीचे लिख लें कहीं सफ़े के एंड पे, परचेज्ड आरएनडी इज़ इनटेंजिबल, परचेज्ड आरएनडी इज इनटेंजिबल। दो मिनट लें, ज़्यादा टाइम ना लें, जल्द एंट्रीज कर दें। डन, चले जी। और ये कम जानी 2012 मैचलेस एंटरप्राइज, नाम ही देखें, एक्वायर्ड रिसर्च डेटा अलोंग विद पार्शली डेवलप्ड, अभी उन्होंने मुकम्मल नहीं किया था, पार्शली डेवलप्ड प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो जो मेन बात है यहाँ वो है ये एक्वायर्ड रिसर्च डेटा, खुद नहीं कर रहे, अलॉन्ग विद पार्शली डेवलप्ड प्रोडक्ट डिज़ाइन फ्रॉम अ कंपनी फॉर ₹2 मिलियन। इसमें अगले ने रिसर्च की हुई थी 0.5 की और डेवलपमेंट की हुई थी 1.5 की। अच्छा, ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है, देखें ज़रा, अगले ने रिसर्च की हो 0.5 और डेवलपमेंट की हो 1.5 और हमें बेचे 2.2 का,
तो फिर हम खरीदेंगे 2.2 का, तो फिर अंदर वाली फिगर्स आपने इन एनी केस इग्नोर करनी है, आपकी परचेज प्राइस जो होगी उसी पे आपने एसेट रिकॉर्ड करना है। तो फिलहाल वैसे भी ब्रेकअप की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बस 2 मिलियन को कैपिटलाइज करना है। इंटेंजिबल डेबिट कैश क्रेडिट यकम जनवरी 12 कितने से 2 मिलियन से। अगली एंट्री द प्रोडक्ट डिजाइन वॉज हैंडेड ओवर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑन यकम नवंबर 12। सोचें पहले दिन वाले डायग्राम, खरीदा किस दिन, यकम जनवरी 12 को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को किस दिन दिया। अगर यकम नवंबर 12 को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया तो यकम नवंबर 12 तक किस डिपार्टमेंट में रहा, इसका मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट यकम जनवरी 12 को हमने शुरू कर दी होगी और यकम नवंबर 12 तक हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहे होंगे, डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई होगी यकम नवंबर 12 को। तो ये बात पढ़ते ही आपके जहन में आ जाना चाहिए था कि R&D डिपार्टमेंट जहन में लाएं, R&D डिपार्टमेंट में ये रहा होगा यकम जनवरी 12 से यकम नवंबर 12। सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन यकम जनवरी 12 के बाद, यकम जनवरी 12 के बाद जिस दिन हमने एक्वायर कर लिया ना, सब्सिक्वेंट यकम जनवरी 12 के बाद MEL इनकट 0.7 ऑन रिसर्च एंड 2.5 ऑन डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट अब अच्छी वाली अज्यूम करेंगे तो ये तो एक्सपेंस में चला जाएगा 0.7, कैपिटलाइज कितना होगा। इट इज एक्सपेक्टेड दिस प्रोडक्ट डिजाइन वुड बेनिफिट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो अगली एंट्री बताएं जी, यकम नवंबर 12 पे खड़े होके कर लेते हैं जी, एक्सपेंस डेबिट या रिसर्च जो मर्जी नाम रख लें, नहीं भी रखना कोई मसला नहीं, 0.7 इनटेंजिबल डेबिट 2.5 3.2 31/12/12 अमोर्टाइजेशन डेबिट कमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट इनटेंजिबल 2 + 2.5 4.5 डिवाइडेड बाय इनटू 2/12 0.15 कितने लोगों ने यही एंट्रीज की थी, ओके 0.15 लास्ट भूल गए थे, तो लाइफ देख लिया करें ना, लाइफ को अंडरलाइन कर लिया करें फिर ये एंट्री नहीं भूलेगी। अच्छा जी आखिरी सवाल मेरा आपसे, इसका आपने खुद ही जवाब देना है, ये एक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल नया, लेकिन इसका जवाब आपने ओपल नहीं नाम था इसका ओपल ओपल था जो छठा सवाल हमने किया है, एक ऐसे ही आपसे सवाल पूछ रहा हूं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन। जब पता चल गया हम अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू कर चुके हैं तो क्यों ना पुरानी कोई बुरी डेवलपमेंट या पुरानी रिसर्च है उसको भी कैपिटलाइज ही कर लें फिर, क्योंकि अब प्रोजेक्ट तो हमें पता चल गया सही है बिल्कुल, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आई होप बात समझ आई होगी आपको। मिसाल के तौर पे वो जो लेक्चर नोट्स वाला सवाल था, आपको कुछ खोलने की जरूरत नहीं, लेक्चर नोट्स वाला सवाल था जिसमें सबसे पहले दिन हमने चीजों को समझा था, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 8 8 8 8 8 क्वेश्चन 8, ये कौन सी वाली डेवलपमेंट है, अच्छी वाली डेवलपमेंट है, ये कौन सी वाली डेवलपमेंट है। जब पता चल गया अच्छी वाली डेवलपमेंट हो रही है तो क्यों ना ये बुरी वाली डेवलपमेंट और रिसर्च को भी अब एसेट ही बना लेते हैं, खैर है इसकी इजाजत नहीं है।
तो एक लफ्ज में बोलने लगा हूं, री इंस्टेट, बोले। अगर आपने खर्चा कर दिया और उसे आप कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया है तो पुराने खर्चे को री इंस्टेट करके कैपिटलाइज करने की इजाजत, पुरानों को किसमें पड़ा रहने दें, इनकी किस्मत ही पी एंड एल है, छोड़े परे, इनको दोबारा बैलेंस शीट में लाने की जरूरत, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं ये कहां लिखा हुआ है, पेज 8। वंस एन एक्सपेंडिचर, वंस एन फॉर रिसर्च एंड हैज बीन, रिसर्च तो हमेशा ही राइट ऑफ होगी, डेवलपमेंट कौन सी वाली राइट ऑफ होगी, वंस एन एक्सपेंडिचर हैज बीन रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ कहां होता है, बैलेंस शीट में कभी राइट ऑफ नहीं होता, पी एंड एल में, एज एन इट कैनॉट सब्सिक्वेंटली बी एज एन, और अगर पिछले सालों का खर्चा है, सिमिलरली एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड इन एक्सपेंस इन प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी, अभी जो आपको दिखाया पुराने पुराने सालों के येलो वाले सिग्नल, उनको कैपिटलाइज करने की इजाजत, जो एक दफा खर्चा आपने पी एंड एल में डाल दिया वो डाल दिया, उसको दोबारा ना बुरी वाली डेवलपमेंट को कैपिटलाइज करने का भी जिंदगी में, ना रिसर्च को, ना अच्छी वाली, ना बुरी वाली डेवलपमेंट को कभी जिंदगी में कैपिटलाइज करना है, ना रिसर्च को। अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट बताएं क्या है, बॉइंग, बाइंग इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचे इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज रिकॉर्डेड एज एन एसेट, पूरा ही रिसर्च भी, इफ इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ एसेट एंड इट इज आइडेंटिफिएबल, नोट फॉर स्टूडेंट हियर, रिसर्च इज कैपिटलाइज्ड, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन सच प्रोजेक्ट इज अकाउंटेड फॉर इन द यूजुअल वे, सब्सिक्वेंट क्या मतलब, जो हमने यकम जनवरी से यकम नवंबर तक किया है, सब्सिक्वेंट जो हमने खुद किया गवर्नमेंट ने, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर मे बी अप्लाइड बाय यूजिंग आईएस, इट मींस रिसर्च विल बी एंड डेवलपमेंट विल बी, ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बाइंग इन प्रोसेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है जी, ओवर करें क्लास।